खास तो स्किन डिजीज मतलब दाद या खुजली जैसे प्रॉब्लम से कोई लाइफ रिस्क नहीं होता है, बट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। ऐसे समस्याएं होने से आपको इचिंग बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ये खुजली या दाद की, ये इजिली ठीक भी नहीं होता। मेडिसिन लेने से या फिर ऑइंटमेंट अप्लाई करके आप ये प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए रुक के रख सकते हो, बट ये प्रॉब्लम बार बार वापस आ जाता है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा इजी होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी जो आपको ओनली 3 डेज में दाद या खुजली जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये रेमेडी को डेली बेसिस पे करते रहोगे तो फिर आपके कोई भी स्किन डिजीज बार बार वापस भी नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभर्णा और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद शुभर्णा। दोस्तों, हमारे स्किन के ऊपर जो भी इन्फेक्शन होते रहते हैं दोज आर मोस्टली फंगल इन्फेक्शन। सो आपको अगर इस इन्फेक्शन से क्योर चाहिए तो आपको आपके स्किन के ऊपर जमे हुए फंगस को क्लीन करना होगा। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जिस एरियाज में स्वेटिंग ज्यादा होती है, जैसे कि आपका ग्रोइन एरिया मतलब आपके थाइज और आपके प्राइवेट पार्ट्स के दोनों साइड पर, ऑक्सिला और आपके आर्म पीट पर, गर्दन के नीचे, महिलाओं के ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट में ऐसे इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। बेसिकली ये सारे बॉडी पार्ट्स में जब स्वेटिंग ज्यादा होती है तो फिर स्वेट वहाँ पे जमा होने लग जाते हैं और स्वेट जमा होने के वजह से वहाँ पे फंगस पैदा होते हैं और ये फंगस स्प्रेड होके हमारे बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। सो इन्फेक्शन से बचने के लिए पहले तो आपको अपने बॉडी पार्ट्स को ड्राई रखने होंगे। सो बेसिकली जिस जिस पार्ट में आपके बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग होती है वो सारे पार्ट्स को आप एक व्हाइट कलर के या फिर किसी और कलर के प्योर कॉटन के क्लॉथ से साफ कीजिए और उस एरिया को ड्राई रखिए। एंड वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, आपको अपने अंडरगारमेंट दिन में 2 बार चेंज करनी होगी। एंड आप मेक श्योर करना कि आप एवरी टाइम एक वॉश्ड अंडरगारमेंट ही यूज कर रहे हो। चलिए अब मैं आप लोगों को रेमेडी बताती हूँ। ये रेमेडी 2 स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में आपको 1 कप पानी बॉयल कर लेनी है। जब ये पानी बॉयल होने लग जाए आप गैस को बंद कर दीजिए। फिर उस पानी में 1 टेबलस्पून नमक मिला लीजिए। ये नमक पानी से अभी आप अपने इन्फेक्टेड एरियाज को एक कॉटन फ्लास्क से साफ कर लीजिए। ऐसे करने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो नमक में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करेगा। दूसरी बात, अगर आपके इन्फेक्टेड एरियाज पे कोई भी इम्प्योरिटीज या फिर कोई भी डेड सेल्स जमा हुआ है वो क्लीन हो जाएगा। ऐसे ये एरिया क्लीन करने से जब आप ओरिजिनल जो रेमेडी में आपको अभी बताऊंगी ये अप्लाई करोगे तो ये रेमेडी आपके स्किन के अंदर तक जाके आपके स्किन को अच्छे से रिपेयर करेगा। अभी सेकेंड स्टेज में जो ओरिजिनल रेमेडी है उसको बनाने के लिए आपको कोकोनट ऑयल के साथ कपूर या फिर कैम्फर मिलाना होगा। बेसिकली कोकोनट ऑयल में होता है बहुत ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो आपके इन्फेक्शन को कम कर सकता है। मोर ओवर कोकोनट ऑयल के 50% होता है लॉरिक एसिड जो आप किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हो और ये आपके स्किन के सेल को भी हेल्दी रखता है। और कैम्फर दोस्तों, मेक श्योर कि आप नेचुरल कैम्फर यूज कर रहे हो और मार्केट में जो भी सिंथेटिक कैम्फर मिलते हैं आप उसको नहीं यूज कर रहे हो। अब रेमेडी को करने के लिए आपको 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के साथ 1/2 टेबलस्पून कैम्फर को मिला के एक पेस्ट बनाना होगा। इस पेस्ट को आपको अपने अफेक्टेड एरियाज पे लगानी है। ये रेमेडी आपको दिन में 2 से 3 बार करनी होगी। इसको करने के 1 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 3 दिन में आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। इस रेमेडी को रोज करने से आपको स्किन रिलेटेड कोई भी फंगल इन्फेक्शन से परमानेंट क्योर मिल सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हेल्दी लिविंग एवरीवन।